चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं आईटीआई लिमिटेड को। तो आईटीआई लिमिटेड क्या है? आईटीआई लिमिटेड की जो अभी प्राइस चल रही है वो है 215 रुपीज, और बुक वैल्यू जो चल रही है वो है 24.6 रुपीज की। ठीक है, अब ये जो है कंपनी क्या करती है, ये मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग सर्विस एंड सर्विसिंग ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट, टेलीकॉम इक्विपमेंट के बिजनेस में है ये। और बाकी अपना और बस यही टेलीकॉम और टेलीफोन कम्युनिकेशन सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करे के मार्केट में काम करते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर ये अपन ने मैक्स चार्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ है। मैक्स चार्ट मतलब ये ऑल टाइम हाई के पास, अपना ऑल टाइम हाई एक्चुअल में टच किया हुआ है इसने, बस वही 215 का ही ऑल टाइम हाई है। अगर अपन देखें कौनस में, तो बुरी खबरें पहले देख लेते हैं। तो कंपनी के जो है ट्रेडिंग स्टॉक जो है अभी वो 8.73 टाइम्स चल रहा है बुक वैल्यू से। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -1.10% ओवर 5 ईयर्स, और कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी लो है 3.15% लास्ट 3 साल से। फिर कंपनी हैज हाई डेटर ऑफ सिक्स, हाई डेटर डेज जो होते हैं वो हैं इनके 635 डेज के, और वर्किंग कैपिटल डेज भी वो बढ़ गए हैं 307 से 340 दिन तक। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं। अब अगर अपन क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो ज्यादातर इनके क्वार्टर, इनफेक्ट ज्यादातर क्या, लगभग इनके मेजर, हाँ इनके एक कोई भी कोई क्वार्टर प्रॉफिट में रहा है, और ज्यादातर इनके क्वार्टर निगेटिव ही रहे हैं, लॉस में रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुल मिलाकर के ज्यादातर अपने को लॉस में ही देखने को मिले यहाँ एक्चुअली में ओवरऑल। अच्छा ठीक है, चलिए ओवरऑल अभी इस बार का तो मार्च 2023 का 360 करोड़ के लॉस में है ये। ठीक है, और इस बार का जो क्वार्टरली रिजल्ट है इसमें ये 103 करोड़ के लॉस में है। अब अगर इधर अपन चलें कैश फ्लो पे, तो निगेटिव कैश फ्लो है -6 का, पहले -12 हुआ करता था, फिर -6 हुआ, तो निगेटिव थोड़ा कम हुआ है मगर निगेटिव है। अब अगर देखें प्रमोटर होल्डिंग वगैरह को, तो होल्डिंग्स की बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से प्रमोटर होल्डिंग इनकी 90.28% की होल्डिंग सिर्फ अकेले प्रमोटर्स के पास में है। FIIs ने 0.09% होल्ड किया है, DIIs ने 0.01%, गवर्नमेंट होल्डिंग जो है 7.61% की है, और पब्लिक जो है वो है 1.99% की होल्डिंग है। तो अब ये जो कंपनी है अपन देख लेते हैं, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को, अब यही है। और अब इसका अपने को देखना है तो अगर आगे अपन क्या व्यू बना सकते हैं, तो काफी एक यूनिक सा रहा है ना इस बार, इन्होंने अपनी जो पिछले बार के हाइस थे उसको पूरी तरह से पीछे छोड़ते हुए अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम लिया। अगर अपन यहाँ भी देखें तो एक स्ट्रक्चर था, और उसके बाद एक सिंपल सा एक छोटा सा ब्रेकआउट अभी ऐसा हुआ है ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं इसमें अपन क्या व्यू बना सकते हैं आगे के लिए। तो फिर अपन देखते हैं, चलिए आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम जो है 227.05, अगर अपन और थोड़ा सा इसको और बारीकी से देखना चाहें, बिल्कुल, तो अपन एक काम इसमें यहाँ पे हो सकता है जो कि बहुत ही बोलना चाहिए सिंपल सी एक एंट्री बनती है, क्योंकि इसमें ऐसा दिख रहा है कि अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो बहुत बढ़िया अपने को एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अपन 228 के ऊपर ही कोई एंट्री प्लान करेंगे, अगर 228 के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली एक अच्छा मोमेंटम आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो डेफिनेट देखिए कोई भी स्टॉक मार्केट में जो होता है कोई भी चीज एकदम डेफिनेट नहीं होती है, तो फिर से एक बार 228 के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी बनती है, अगर सब कुछ सही रहा तो उसके ऊपर एक अपसाइड रैली मिलेगी। ठीक है, तो एटलीस्ट हम 228 के ऊपर ही प्लान करेंगे, और छोटी क्वांटिटी में करेंगे। अभी हालांकि जो रैली हुई है वो है 11.98% की सिर्फ एक दिन में। अगर फिर से अपन इधर डेली टाइम फ्रेम पे चलें तो अपने को एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ देखने को मिल रही है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर अपन देखें तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट था ये, इनफैक्ट क्या हुआ था कि ये रिटेस्टिंग हो रही थी, 2 बार रिटेस्टिंग हुई, और उसके बाद एक और बार रिटेस्ट हुआ उस एक लेवल से, और उसके बाद अब हो सकता है कि थोड़ा सा रिटेस्ट करके फिर एक बार ब्रेकआउट देने की कोशिश करे, तो 228 के ऊपर एक बार फिर एक अच्छा ब्रेकआउट कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इतना ही है इसमें, नेक्स्ट मिलते हैं फिर। ओके।